डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 2010 के आसपास तक हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर चुके हैं, आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज की। सबसे पहला है लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस एट द मीटिंग। जो लिस्ट बनाई जाती है कि क्या इश्यूज हम डिस्कस करने वाले मीटिंग में, उसको बोलते हैं एजेंडा इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कार्यसूची कह लीजिए, या कभी कभी अगर साधारण भाषा में बोले तो मुद्दा भी बोलते हैं इसको, कि इस आज की मीटिंग का मुद्दा क्या है, या फिर एक लिस्ट हम बनाते हैं उसको, अगर टेक्निकल वे में, अगर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में बोले तो हम उसको कार्यसूची बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एजेंडा। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं वो इटमोलॉजी होती है, सॉरी इंटमोलॉजी होती है। इटमोलॉजी जो होती है वो होती है ग्रंथ सूची, तो इटमोलॉजी और इंटमोलॉजी में कन्फ्यूज मत होइएगा। थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ वंस ओन, यहाँ पे यह है कि अगर किसी और की राइटिंग, कोई लिखा हुआ जो है, अगर आप चोरी कर रहे हो और उसको अपना बता रहे हो तो उसको बोलते हैं प्लाजियरिज्म, इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, नीचे कहीं टाइप्ड होगा। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, इसको बोलते हैं आर्चीव। आर्चीव को जो है अगर हिंदी बात करें तो इसको कई वर्ड्स में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं इसको संग्रह, पूरा लेख, लेखागार, तो कई सारे हिंदी वर्ड होते हैं इसके। तो ऐसा समझिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, पब्लिक के रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्चीव। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं। इन ए थ्रेटनिंग मैनर, डरावने मैनर पे हम बोले तो हम बोलते हैं घासली। घासली का अगर हिंदी बात करें तो डरावना, तो अगर यहाँ से याद रखेंगे तो ये वर्ड आप याद रख पाएंगे, घासली का मतलब होता है डरावना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु प्रिटेंस टू बी व्हाट ही इज नॉट, एक ऐसा बंदा जो नहीं है और वो दिखाने की कोशिश करे तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, और हिंदी में बात करें तो चीटर, धोखेबाज। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, उसको बोलते हैं क्रिटिक, जो किसी के अंदर कुछ भी अच्छा ना पाए, हर चीज में बुराई करता रहे, उसको बोलते हैं क्रिटिक, या हिंदी में बोले तो इसको आलोचक बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी इजिली रीड, जिसे आसानी से पढ़ा ना जा सके उसे बोलते हैं इलिजिबल। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाई एग्जामिनेशन, हम कहते नहीं डायग्नोज कर रहे हैं, डॉक्टर डायग्नोज करते डिजीज का, तो प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर, कि डिजीज किस तरीके का है, वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायग्नोसिस, कि ये पता लगा रहे होते हैं कि डिजीज कौन से टाइप का है, क्या बीमारी है। बात करें नेक्स्ट वर्ड की, यहाँ पे देखिए प्लाजियरिज्म यहाँ पे टाइप्ड है, तो साहित्यिक चोरी बोलते हैं इसको, साहित्यिक चोरी। द क्वालिटी ऑफ बींग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, वो बोलते हैं असर्टिव। असर्टिव मतलब ये होता है कि असर्ट कर रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि विनम्र होके किसी चीज़ को हम मांग रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ बींग पोलाइटली फर्म, अगर आप कोई चीज़ जो है डिमांड कर रहे हो और फर्म हो लेकिन पोलाइट मैनर में, तो उसको बोलते हैं असर्टिव। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, उसको बोलते हैं कैनिबल, जो मानव का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। ए पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेज में फ्लुएंट हो उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, एक ऐसी स्थिति जो आपको मानसिक तौर पे जो है कन्फ्यूज करती हो, उसको बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन, या फिर आतंक, भय। ए पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, सेंटेंस का मतलब सीधे सीधे यह है कि ये पूछना चाह रहा है कि कंजूस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइजर। माइजर वो बंदा होता है जिसके पास बहुत सारा वेल्थ होता है लेकिन वो खर्च बहुत कम करता है। फियर ऑफ वाटर, अगर वाटर से डर लगता हो तो डर के लिए जो होता है फोबिया, ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वाटर के लिए हाइड्रो, तो हाइड्रोफोबिया। ईजिली ड्यूब्ड और फूल, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, फूल किया जा सके, बेवकूफ़ बनाया जा सके, उसको बोलते हैं गुलीबल। गुलीबल का मतलब सहज विश्वासी होता है, सहज विश्वासी, जो आसानी से किसी बात का भरोसा कर ले। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सके उसको बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर बोलते हैं। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, अभी डिस्कस किया, इलिजिबल बोलते हैं, जो पढ़ा ना जा सके। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, इसको बोलते हैं डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है प्रतिकूल इच्छा व्यक्त करना, प्रतिकूल इच्छा व्यक्त करना। इसका और मतलब होता है पदावनत, अपने पद से नीचे ले आना, तो इसकी और कई मीनिंग होती है। एक वो मीनिंग होती है विनती करना, आरजू करना, और प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना भी इसकी मीनिंग होती है। तो टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल,
अगर आप फील कर रहे हो कि ये चीज़ सही नहीं है या आप अपना डिसअप्रूवल दे रहे हो किसी चीज़ के लिए, देन डेप्रिकेट उसके लिए वन वर्ड होगा। और इसकी और मीनिंग भी होती है, जैसे विनती करना, आरजू करना, या पद से जो है पदावनत कर देना, पद से आपको छोटी पद पे डाल देना, तो ये सारी भी मीनिंग होती है, ये भी आप याद कर लीजिए। टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, लोगों की याद में या तो किसी घटना को रखना, या तो किसी जो है इवेंट बोले तो इवेंट को रखना, या फिर किसी आदमी वगैरह को रखना, जैसे गांधी जी हैं तो इनको हम लोगों की मेमोरी में रखते हैं। तो कमेमोरेट उसके लिए जो है वर्ड आता है, इसका मतलब होता है पुण्य स्मरण करना, पुण्य स्मरण करना अगर हिंदी में बात करें तो। सेलिब्रेट करना के सेंस में भी कमेमोरेट आता है, वो उस तरह भी जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो किसी की याद में कोई चीज़ अगर हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो पुण्यतिथि मना रहे होते हैं, तो ऐसा हम करते नहीं कि गांधी जी की 2 अक्टूबर को पुण्यतिथि मना रहे होते हैं, तो कमेमोरेट उस सेंस में आता है। अकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल इन टाइम, जो ऐसा हो कि जो रेगुलर ना हो, थोड़े थोड़े समय पे होता हो, तो अगर हिंदी में बॉल करें तो हम कहते नहीं छुटपुट काम कर रहे, छुटपुट काम कर रहे, तो स्पोरेडिक उसका इंग्लिश वर्ड होता है और हिंदी मतलब होता है छुटपुट, जो लगातार ना हो, छोटे छोटे इंटरवल में हो। ए लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स को प्यार करे, जो लव के लिए होता है वो फिलिया होता है और बुक के लिए बिब्लियो, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफ्टन इन सॉलिट्यूड, जो अकेले में रहे, देश दुनिया से अलग होकर रहे, उसको बोलते हैं रेक्ल्यूज, इसको हिंदी में बोले तो सन्यासी, सन्यासी बोलते हैं। टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज़ से सहमत होना, असेंट बोलते हैं, ASSENT। ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, एक ऐसा सिचुएशन जो आपको जो है प्रोग्रेस करने से जो है स्टॉप कर दे, उसको बोलते हैं bottleneck। क्या बोलते हैं? bottleneck। ए पर्सन हु dishonestly pretends to be somebody else, अभी हम इसको ऊपर देख के आए हैं कि जो आदमी धोखा दे, जो मतलब आदमी होना और दिखावा करे कि हम ऐसा है, तो एक तरीके से धोखा दे रहा होता है, इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है इम्पोस्टर, चीटर, धोखेबाज, हिंदी में बोलते हैं धोखेबाज, इम्पोस्टर इंग्लिश में बोलते हैं धोखेबाज। ए वायलेंट स्ट्रॉम, एक ऐसा स्ट्रॉम जो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, उसको बोलते हैं टेम्पेस्ट। क्या बोलते हैं? टेम्पेस्ट, कई बार पूछा जा चुका है ये। केयरफुल और थ्रो इंक्वायरी, एक तो होता है इंक्वायरी, एक होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वो होता है जो हम केयरफुली और पूरी तरीके से इंक्वायरी कर रहे होते हैं किसी चीज़ की। जूरी, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट मिसिंग है, ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, प्रिंट हो, तो जूरी का मतलब ये होता है जैसे कि 4-5 लोगों की जो है कमेटी होती है, वो मैटर सुनते हैं और ये डिसीजन देते हैं कि क्या, मतलब एक तरीके से जजमेंट सुनाते हैं, तो जूरी 4-5 से 10 मेंबर तक की एक मेंबर की एक कमेटी होती है जो किसी चीज़ को सुनते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि चीज़ सही है या गलत है, जजमेंट देते हैं जूरी। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपना जो है ड्यूटी अगर आप पूरा करने में अगर समर्थ ना हो तो उसको बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है डेरिलिक्शन। ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू बाय ए हाउस, इसको बोलते हैं मॉर्टेज, हम लोग अक्सर करके मॉर्टगेज भी बोलते हैं, तो मॉर्टेज स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पे, MORTAGE होता है। ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है हाव भाव, हाव भाव। ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस, हम लोग सर पांव हाथ कुछ हिला के बोल रहे होते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं जेस्चर। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इसको बोलते हैं पोस्टथमस, चाइल्ड की बात की गई है, आगे जो कुछ भी जैसे होता है ना कि मरने के बाद हो तो उसको पोस्टथमस करके लेते हैं। ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सबस्टेंस, अगर कोई आदमी किसी एक सबस्टेंस पर डिपेंड हो फिजिकली तो उसको बोलते हैं एडिक्ट, लती। स्टेटमेंट ये चेंज करते रहते हैं, तो अगर आपको जो है वर्ड्स के मतलब अगर हिंदी में भी पता है तो अगर स्टेटमेंट चेंज भी होता है तो आप आराम से वन वर्ड फाइंड आउट कर लेते हो। एक क्योर फॉर ऑल डिजीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं पैनासिया। ए रेज प्लेटफॉर्म बिल्डिंग, बिल्डिंग में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहता है अक्सर करके आपने देखा जो आने जाने के लिए होता है, उसको बोलते हैं वॉकवे। क्या बोलते हैं उसको? वॉकवे। तो स्टेटमेंट आपको ऐसे ही याद रखना है, रेज प्लेटफॉर्म इन ए बिल्डिंग, उसको बोलते हैं वॉकवे। ये इसी तरह एग्जैक्ट पूछा जाता है। ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, जब हम किसी की नेमिंग करते हैं बायोलॉजी वगैरह में आपने देखा होगा, तो नॉमन क्लेचर उसको बोलते हैं। वन हु हेट्स ओमेन, जो ओमेन को हेट करते हैं उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस। मिसो वर्ड होता है वो हेट के लिए होता है, गाई ना जो होता है, गाइनो जो होता है वो होता है स्त्री के लिए, तो मिसोगाइनिस मतलब स्त्रियों से जो हेट करे। एबल टू यूज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इक्वली, एम्बिडेक्स्ट्रस, इसको हम बहुत बार जो है डिस्कस कर चुके हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस वो होते हैं जो दोनों हाथ से लिख रहे होते हैं। कैपेबल ऑफ बींग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि अगर एक किसी चीज़ की एक से ज़्यादा अगर मीनिंग निकल रही हो तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं दुर्बोध। क्या बोलते हैं? दुर्बोध, जो हमें समझ में ना आए, जो बोझिल हो, तो एम्बिगुअस उसको इंग्लिश में बोलते हैं। वन हु हैज़ नारो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यू, एक ऐसा बंदा जिसको जो है अपने रिलीजन को लेके
एक अजीब सा सोच होता है जो उस सोच से हटने का कोशिश नहीं करता है, एक तरीके का एक तरफा सोच होता है, उसको बोलते हैं फैनेटिक, कट्टर, बाइगॉट भी बोलते हैं। द एक्शन ऑफ लुकिंग विथ इन और इन टू वंस ओन माइंड, अपने आप में मनन करना, जैसे इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं, कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्ट कर लो, कि अपने आप में सोच लो, मनन कर लो। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, इम्प्लीकेट करना बोलते हैं। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, अगर किसी चीज को एविडेंस के थ्रू जो है अगर कन्फर्म कर रहे हो तो उसके लिए वर्ड होता है इम्प्लीकेट। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो लव के लिए आता है, जो भी फिलो वर्ड आता है, और जो है फिलोथ्रोफिस्ट होता है, अगर मैनकाइंड को अगर कोई प्यार करे तो। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी, इसको बोलते हैं सटायर। सटायर मतलब होता है कटु वाक्य बोलने वाला या व्यंग कसने वाला। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी, तो सटायर, सटायर का मतलब एक तरीके से व्यंग होता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, सीज फायर। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, इसको बोलते हैं सीज फायर। हम लोग अक्सर कहते हैं नहीं कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो सीज फायर का मतलब ये होता है कि दो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होती है, जिसमें वो लोग इस तरीके के एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, वॉर वगैरह नहीं करेंगे। एक्सेसिवली इंथुसियास्टिक एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग, फैनाटिकल। फैनाटिकल का मतलब होता है उन्माद। क्या होता है? उन्माद। कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा जो है मतलब उत्साहित हो किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा मतलब जरूरत से ज़्यादा, तो ऐसे बंदे को बोलते हैं फैनाटिकल, मतलब उन्माद, अगर हिंदी शब्द की बात करें तो। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक, फियर या डिसलाइक के लिए फोबिया ये वर्ड आता है। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, अपने ओपिनियन में अगर कोई सिद्धांतिक हो तो उसको बोलते हैं ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड। तो ओपिनियनेटेड का जो है शुद्ध मतलब होता है स्वच्छंद, अगर बात करें स्वच्छंद, अपनी इच्छा के हिसाब से चलने वाला, अपने मत के हिसाब से चलने वाला, एक तरीके से अपने ही ओपिनियन में बने रहने वाला। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाई अंडर वाटर अर्थक्वेक, हाई सी वेव्स, एक सी वेव होती है, बहुत ज़्यादा सी वेव होती है, जो अंडर वाटर अगर अर्थ क्वेक आ जाए, मतलब वाटर के अंदर अगर अर्थ क्वेक आ जाए, तो एक सी वेव्स बहुत ज़्यादा तेज से निकलती है, उसको बोलते हैं सुनामी। अक्सर करके आपने सुना होगा कि समुद्र के किनारे हिस्सों पे सुनामी वगैरह आती है, श्रीलंका में सुनामी, कई बार सुनामी आती है, तो वो अंडर वाटर अर्थ क्वेक की वजह से आती है। ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसी आवाज़ जो सुनी नहीं जा सकती है, उसको बोलते हैं इनऑडिएबल। द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसको बोलते हैं एनार्की। वन हु इंटरवेन्स बिटवीन टू और मोर पार्टी टू सेटल डिफरेंस, वो जो बीच वाला बंदा होता है जो दो पार्टीज के बीच में सेटल कराता है चीज़ों को, उसको बोलते हैं इंटरमीडियरी। नेक्स्ट है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपनी अथॉरिटी को दूसरों देना, दूसरे को देना, ये होता है डेलीगेट। डेलीगेट का शुद्ध हिंदी मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है? प्रतिनिधि। जैसे हम बोलते नहीं वहाँ का डेलीगेट आया, डेलीगेट आया, तो डेलीगेट का जो शुद्ध हिंदी मतलब होता है प्रतिनिधि। बॉडी ऑफ सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर्स को बोलते हैं क्वायर, गाना गाने वाले, इसको हिंदी की बात करें गाना गाने वालों को क्वायर बोलते हैं। ए थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रिटुल, भंगुर। क्या बोलते हैं हिंदी में? भंगुर। एन एनिमल स्टोरी विथ मोरल, एक एनिमल की स्टोरी जिसमें मोरल हो उसको बोलते हैं फेबल। क्या बोलते हैं? फेबल। ध्यान रखिएगा कि एनिमल की स्टोरी वो भी मोरल के साथ हो तो उसको बोलते हैं फेबल। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, पूरा लेख शास्त्र भी बोलते हैं इसको एक तरीके से। ए डिजीज विच इज स्प्रीड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ऐसी डिजीज जो कॉन्टेक्ट से फैलती है उसको बोलते हैं कॉन्टाजियस। क्या बोलते हैं? कॉन्टाजियस। लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, उसको बोलते हैं टम्परेरी, जो थोड़े समय में जो है खत्म हो जाए, टम्परेरी बोलते हैं। मोमेंट्री भी कभी कभी आता है, तो ये टेम्परेरी, मोमेंट्री, ये सब सिनोनिम्स है। ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, कई सारे स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, जो प्लांट पे रहते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। यूज ऑफ फोर्स और थ्रीट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, किसी को फोर्स करके कुछ कराना, उसके लिए जो वर्ड आता है इंग्लिश में वो होता है कोर्सियन। क्या होता है? कोर्सियन। कोर्सियन का जो है अगर हिंदी, शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसके कई सारे जो है मतलब होते हैं, जैसे हम इसके लिए दबाव हिंदी इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्ती, जबरदस्ती, अवपीड़न। तो कोर्सियन का मतलब होता है किसी के ऊपर दबाव डाल के किसी के साथ कुछ काम कराना, तो इस पर्टिकुलर सेंस के लिए इंग्लिश में यह वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कोर्सियन। मर्डर ऑफ मैन,
अगर आदमी की हत्या की जा रही है तो उसको बोलते हैं होमिसाइड। इसमें ये बात ये नहीं होती कि आदमी की हत्या हो रही है, ह्यूमन बींग्स की हत्या हो रही है तो भी उसमें होमिसाइड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, अगर दो लोगों के बीच में बहुत सारे जो है डिसलाइक है, बहुत ज़्यादा डिसलाइक है, तो उसको बोलते हैं एंटीपैथी, घृणा, द्वेष। दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, जिसका कोई अपोजिशन ना हो उसको बोलते हैं यूनानिमस। यूनानिमस मतलब होता है एकमत, मतलब सारे के सारे लोगों का मत एक जैसा है, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। प्लांट एंड वेजिटेशन, किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट और वेजिटेशन को फ्लोरा बोलते हैं, और एनिमल्स की बात करें तो उसको फोना बोलते हैं। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको जीनोसाइड बोलते हैं, किसी रेस वगैरह की पूरी हत्या कर दी जाए। ऑलरेडी ये सारे वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेज पैनासिया होता है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ द्वारा आया हुआ LDC 2011 में, 2011 में दोनों, अच्छा रिपीटेड टाइप्ड है। रिलेटेड टू मून, मून से जो कुछ भी रिलेट हो उसको बोलते हैं लूनार। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल बर्ड्स एंड फिश, जो एनिमल बर्ड या फिश का जो स्किन होता है उसको प्रिजर्व करने की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। क्या बोलते हैं उसको? टैक्सीडर्मी, चर्म प्रसाधन, हिंदी में बात करें तो चर्म प्रसाधन। टैक्सी चर्म के लिए इस्तेमाल होता है, टैक्सीडर्मी, डर्मी, डर्मी जो होता है वो स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, तो टैक्सीडर्मी यहाँ पे जो है इसका जो हिंदी मतलब होगा वो चर्म प्रसाधन होगा। ए पेपर रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखा हुआ पेपर होता है उसको मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैनुस्क्रिप्ट की जो शुद्ध हिंदी होती है हस्तलिपि। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहां वाइन बनाया जाता है उसको बोलते हैं ब्रिवरी। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है यूनिवर्सल बोला जाता है उसको। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, उसको बोलते हैं सोवेनियर, इसको बोलते हैं यादगार। क्या? हिंदी में यादगार, इंग्लिश में सोवेनियर। स्केल यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्विक, अर्थक्विक का जो है मेजर करने के लिए जो स्केल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रिचटर, रिचटर स्केल। ये आपको उसमें भी पूछा जा सकता है, जीके में भी, आपका जो जीए वाला पोर्शन होता है उसमें भी ये पूछा गया है कई बार कि कौन से स्केल पे जो है अर्थक्विक की स्ट्रेंथ हम जो है मेजर करते हैं, वो रिचटर स्केल होती है। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ फाइन आर्ट, जो फाइन आर्ट की प्रैक्टिस करता है उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर, एक होता है ना कि आम क्षमा मिलना, उसको बोलते हैं एमनेस्टी। कहते नहीं अक्सर करके आपने देखा है पॉलिटिशियन को एमनेस्टी मिल गई, तो ये इसका शुद्ध वो हिंदी वर्ड होता है आम क्षमा मिलना, साधारण माफी। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, इसको बोलते हैं मैक्सिम। मैक्सिम का हिंदी मतलब समझिए, आपको याद रहेगा, मैक्सिम को बोलते हैं कहावत। ए एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल पहले से एस्टेब्लिश्ड हो, प्रैक्टिकल विजडम की बात हो, तो उसको बोलते हैं मैक्सिम या डिक्टम बोलते हैं कहावत, मैक्सिम या डिक्टम। तो ये इसका जो हिंदी मतलब होता है वो कहावत होता है। द प्रोसेस बाई विच ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना जो पैसा जो स्पेंड करता है उसको रिड्यूस करता है, उसको बोलते हैं बजटिंग। ये वर्ड्स आप फैमिलियर होंगे, बजट बजट बजट, अक्सर करके बजट आपने सुना है, तो बजटिंग होता है। इससे क्या करता है आदमी अपना सेट करता है कि पैसा किस हिसाब से खर्च करना है। ए फिगर ऑफ स्पीच बाई विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बींग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो है कहते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, जो एक जैसे कोई चीज़ है दूसरे से उसकी सिमिलरिटी दिखा रहा हो, एक ये चीज़ है एक दूसरी चीज़ है, इससे एक फिगर ऑफ स्पीच जो है इस्तेमाल करके सिमिलरिटी दिखाते हैं। और एक वर्ड होता है एज एंड लाइक, एज और लाइक, तो एज या फिर लाइक को यूज करके अगर दो चीज़ों में सिमिलरिटी दिखाई जा रही हो तो उसको बोलते हैं सिमिली, इसको हिंदी में बोलते हैं उपमा। एक आता है मेटाफोर, ये एज और लाइक को जब ना यूज करके अगर सिमिलरिटी दिखाई जा रही हो तब वहां पे मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज अगर एज और लाइक इस्तेमाल करके दो चीज़ों में अगर सिमिलरिटी दिखाई जा रही हो तो उसको बोलते हैं सिमिली। वेरी ड्रामेटिक, जो बहुत ज़्यादा ड्रामा से भरा हो उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक। क्या बोलते हैं उसको? हिस्ट्रियोनिक, इसको बोलते हैं नाटकीय, अगर बात हिंदी में करें तो नाटकीय। वेरी ड्रामेटिक, नाटक से भरा हुआ, नाटकीय, हिस्ट्रियोनिक। द सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, चोरी छुपे कुछ चीज़ छुपा के रखना उसको बोलते हैं होर्ड, होर्ड करना, किसी चीज़ को छुपा के रखना, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखना, इकट्ठा करना होर्ड का मतलब ये होता है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं करता है, जो फैलता नहीं है उसको बोलते हैं इनफेलिएबल, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजली प्रोवाइडेड बाई एन एम्प्लॉयर, ए रिटन स्टेटमेंट, एक एम्प्लॉयर जो रिटन स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है कैरेक्टर के विषय में उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का जो है अगर शुद्ध बात करें हिंदी की तो इसका मतलब होता है घोड़ों का वर्णन पत्र। क्या होता है? वर्णन पत्र।
विवरण, प्रशंसा पत्र, इस तरीके से जो है इसका हिंदी आता है, लेकिन ये वर्ड ऐसा होता है जिसको आपको इंग्लिश में ही समझ में आ जाती है। ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, एक रिटन स्टेटमेंट एम्प्लॉयर की किसी आदमी कैरेक्टर के विषय में, उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। पार्ट ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ ए रिवर बैंक, रिवर बैंक के पीछे जो है कोस्ट में जो है अगर कोई कंट्री का पार्ट हो तो उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और कीवर्ड्स याद रखिए इसमें कि पार्ट ऑफ कंट्री, कंट्री का पार्ट, बिहाइंड द कोस्ट और रिवर, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, अगर किसी माँ बाप का कोई बच्चा छोड़ दिया गया और कोई उसे अगर पाए तो उसको बोलते हैं फाउंडलिंग। क्या बोलते हैं उसको? फाउंडलिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जो आर्ट होती है न्यूज़पेपर में लिखने की, मैगजीन की, उसको बोलते हैं जर्नलिज्म। ये बहुत आप लोग इस वर्ड से फैमिलियर हैं। ए पर्सन हु गैम्बल, जो गैम्बल करता है, जो बेट लगाता है, उसको बोलते हैं पंटर। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, जो सरल प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं एजाइलम, सरल स्थल। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, अपनी इच्छा से किसी के लिए काम करना, उसको बोलते हैं वॉलेंटरी। ए फॉरिजन हु सेटल्स इन ए कंट्री, उसको बोलते हैं इमिग्रांट। हमने बोला था आई से, याद रखिएगा, इन से आई, आई से अंदर जो आए, जो बाहर से अंदर आए उसको इमिग्रांट, और जो अंदर से बाहर जाए उसको बोलते हैं इमिग्रांट, जो ई लगेगा। तो ई जब आता है तो आता है सिर्फ सिंपल एम, सिंगल एम, तो ये भी स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी स्पेलिंग दे देता करेक्शन के लिए। ए स्मॉल रूम इन बिग हाउस, होटल सिर्फ ईटीसी, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड्स ईटीसी आर किफ्ट, एक ऐसा रूम जहाँ पे होटल में हो, सिप में हो, घर में हो, कहीं पे भी ग्लास, डिशेज, स्पून्स, फूड्स, इन सबको रहने का, रखने का जो है जगह होता है, उसको बोलते हैं पेंट्री। पेंट्री का अगर अगर हिंदी की बात करें तो उसको बोलते हैं कोठार। जो गांव वाले बच्चे हैं उनको ये वर्ड पता होगा, वहाँ पे बोलते हैं ना कि कोठरी में रख दे, कोठार में कुछ ऊपर सा बना होता है सामान वामान रखने के लिए, तो पेंट्री का मतलब होता है कोठार। गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा बनी होती है, पीपल के लिए बनी होती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जो बिलीव ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एवर सी लेवल, सी लेवल से अगर कोई जैसे हाइट पे कुछ चीज हो तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड आता है एल्टीट्यूड। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर इन द सेम लोकेलिटी, उसको बोलते हैं नाइबरहुड, सिंपल सा वर्ड है। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा जो है अटैक करने के लिए, क्वेरल करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं एग्रेसिव। कहते नहीं बहुत एग्रेसिव बंदा, मतलब उसे कुछ बोल दो चिढ़ जाता है, बहुत एग्रेशन है उसके अंदर, तो एग्रेसिव वो वर्ड है। तो ये रहा जो है 2012 तक का, आज जो वन वर्ड ले रहे हैं, इसके बाद 2012 के आगे हम वन वर्ड लेंगे, तो हम धीरे धीरे एक दो दिन में क्या करेंगे, सारे के सारे वन वर्ड जो पिछले ईयर्स में आए हैं वो खत्म कर लेंगे, ताकि जो है हमारा टीयर वन में कोई क्वेश्चन आए तो एरर ना हो। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।